अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी हैप्पी बाइट्स। आज मैंने बनाया है नौरत्न पुलाव, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार 9 सब्जियों के साथ बनाया है, बहुत ही इजी और झटपट बनने वाले हैं। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देची में पानी ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसके अंदर डालती हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप चावल, चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और इसके ऊपर मैं देती हूँ ढक्कन और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 90% डन कर लूँगी। जी गाइस, देखें चावल अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं, 90% डन हो गए हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं, मैं इनको गर्म पानी से बाहर निकाल लेती हूँ। और अब मैं चावल प्रिपेयर कर लेती हूँ, इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑयल और इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने लिए हैं 1/2 कप फलियाँ, 1/2 कप क्यूब्ड गाजर, 1/2 कप बॉइल्ड मटर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप बॉइल्ड पोटैटो और 1/2 कप फूल गोभी। इन सबको मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जी गाइस, देखें वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, तो मैं इनको बॉल में निकाल लेती हूँ। और अब मैं थोड़े से नट्स फ्राई कर लेती हूँ, इसमें मैंने ले लिया है बादाम और थोड़े से काजू। ये देखिए नट्स हो गए हैं फ्राई। और देखिए मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया और इसके अंदर मैं डालती हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज और इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मिक्स गरम मसाला। इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया है, ब्लैक पेपर, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और थोड़ी सी लौंग लिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 6 हरी मिर्चें, इनको मैंने दरम्यान में से काट लिया था। और इसको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। और अब मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ये बॉइल्ड राइस, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मैं डाल दूँगी फ्राइड वेजिटेबल्स और थोड़े से नट्स जो फ्राई किए थे, और इन सब कर लेती हूँ मिक्स। मैंने सिर्फ मटर और आलू को ही बॉईल किया था और बाकी सारी सब्जियाँ वैसे ही कच्ची थी। और इनको भी मैंने हल्का सा फ्राई किया है ताकि इनके जो क्रंच है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, थोड़ी सोते हो जाए। और मैं इनको दम दे देती हूँ। देखें लो फ्लेम पर मैंने दम दिया था 5 मिनट्स के लिए और दम से चावल हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और मैं इनको कर लेती हूँ मिक्स। और अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, देखिए मैंने नौरत्न पुलाव कर लिया डिश आउट और ये बहुत ही टेस्टी कलरफुल सा लग रहा है। चले अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखें कितने टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल से बने हैं। ये देखें कितने टेस्टी हैं। चलें अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।